नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब ओरल स्टोरी की एक स्टोरी। एक मंदिर था, उस मंदिर के सारे कर्मचारियों को सैलरी मिलती थी, चाहे वो पुजारी था, चाहे झाड़ू वाला था, चाहे सफाई वाले थे, चाहे फूल मालाएं बनाने वाले, प्रसाद बनाने वाले या घंटा बजाने वाले। एक घंटा बजाने वाला तो इतना अच्छा घंटा बजाता कि लोग भावमय हो जाते, मंत्रमुग्ध हो जाते, लगता भगवान ऊपर से उतर के नीचे आ गए हैं। ऐसा सुंदर वातावरण हो जाता उस मंदिर का जब शाम की आरती होती, तो लोग भगवान के दर्शन तो करते ही करते फिर घंटे वाले के भी दर्शन करते, उसकी भावनाओं को आशीर्वाद दे के फिर जाते। भीड़ बढ़ती जाती सिर्फ वो घंटे वाले की वजह से। तो एक दिन क्या हुआ, मंदिर के ट्रस्टी बदल गए। उन्होंने ये घोषणा कर दी कि यहां मंदिर में पढ़े लिखे लोग ही काम करेंगे, अनपढ़ कोई नहीं। और घंटे वाला तो अनपढ़ था, उसको तो पढ़ना लिखना नहीं आता था। उसने कहा मेरे घंटे का एक्सपीरियंस तो देखिए, आप मेरे घंटे की क्वालिटी तो देखिए। लेकिन ट्रस्टी नहीं माने, उन्होंने बोला नहीं, जो पढ़ा लिखा होगा वही मंदिर में काम करेगा। लोग उनके घर गए, उनको बोला तुम्हारे बिना मंदिर में आरती का मजा नहीं है, तुम आओ। उसने कहा नहीं, ट्रस्टी सोचेंगे मैं फिर से मांगने आ गया अपनी नौकरी, तो मैं नहीं आऊंगा। तो लोगों ने क्या किया, मंदिर के सामने एक जगह खाली थी, वहां एक दुकान छोटी सी बना के उसको दे दी कि तुम अपनी दुकान भी चलाओ और शाम को मंदिर में घंटा बजाने आओगे तो कोई नहीं कहेगा कि तुम पैसे के लिए आए हो, तुम सैलरी के लिए आए हो। तो उसने वो बात उसको अच्छी लगी और वो मान भी गया। अब वो रोज शाम को अपनी दुकान से घंटा बजाने आता। दुकान इतनी चलने लगी कि एक से दो दुकानें, दो से तीन, तीन से सात दुकानें हो गई, फैक्ट्री बन गई। अब वो मर्सिडीज में बैठ के शाम को घंटा बजाने आता, लेकिन घंटा बजाने आता क्योंकि उनकी वजह से तो वो बना था, तो वो घंटा बजाने आता। फिर ट्रस्टी बदल गए। इस बार के ट्रस्टी ने सोचा कि मंदिर को बहुत बड़ा किया जाए, इतने लोग आते हैं, मंदिर छोटा है, थोड़ा रेनोवेशन हो जाएगी, थोड़ा और बढ़ा देते हैं। लेकिन लाखों रुपए की जरूरत थी तो उनको चंदा चाहिए था। वो इन घंटा बजाने वाले जो थे उनकी फैक्ट्री में चंदा मांगने गए। उन्होंने जो घंटे वाले था उन्होंने पासबुक चेकबुक सामने कर दी, ब्लैंक चेकबुक, जितना भरना है भरिए। उन्होंने अपना जितना भरना था भरा और उनको सिग्नेचर के लिए चेकबुक आगे की, सर साइन कर दीजिए। वो बोले मुझे साइन करने तो नहीं आते, मैं अंगूठा लगा देता हूँ, मैं अंगूठा छापू, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। वो बोले आप इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक और आप कहते हो आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, आप अगर आपको पढ़ना लिखना आता तो आप तो ना जाने कहां से कहां पहुंच जाते हैं। वो बोले, मालिक बोले, अगर मुझे पढ़ना लिखना आता तो मैं सिर्फ घंटा ही बजा रहा होता, उस समय मुझे कोई बाहर नहीं निकालता, तो मैं घंटा ही बजाता रहता। तो दोस्तों, जब हम अपना कार्य भाव से करते हैं, जब हमारे काम में भावनाएं होती हैं, या हम अपने कर्तव्य निष्ठ होकर जब हम काम करते हैं, ऊपर वाले की ब्लेसिंग होती है, उसको पता होता है इसको कहां से कहां पहुंचाना है। अपना काम भावनाओं के साथ करें, कर्तव्य निष्ठ होके करें, सच्चे मन से करें, भगवान उसमें विराजित है, आपको कहां से कहां ले जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। नमस्कार, जय हिंद।